वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो मैं स्टोरी टाइम बना रहा हूँ वो स्टोरी टाइम है कि जब ईद का तीसरा दिन था, तब मैं सुबह 9 बजे उठा। 9 बजे के उठने बाद मैं 12 बजे सोने चले गया। सुबह मैं उठा, फिर दोबारा मैं उठा 4 बजे। तो 4 बजे मैं अपना ही स्टोरी टाइम रमज़ान का नाम शूट वाली वीडियो बनाने जा रहा था, तो उतने में बैल बजी। मैंने जाके देखा है कौन है, तो मुस्काल भाई थे, जिनका नंबर वंबर सब मैंने उसमें ही बताया था। मेरे पास नंबर कैसे आया स्टोरी टाइम रमज़ान का नाम शूट में उनका भी, तो वो लोग आए थे। एक इड़कुरुल फोरा डे, मतलब कि एक दिन का इड़कुरुल संडे। तो वो लोग आए और फिर शूट हो, लेकिन उसमें तो भाई शॉर्ट्स पे बड़ी मेहनत लगती है। बच्चों वहाँ से चलते हुए आ रहा है और उससे बातें कर रहा है, तो बड़ी मेहनत लगती है। और भाई आप लोगों ने जैसे कि देखा कि इतनी मेहनत लगती है हर शॉर्ट्स पे, और जो शॉर्ट्स होते हैं उन पे मेहनत तो बहुत लगती है, क्योंकि मेहनत ऐसी होती है ना, एडिटिंग, वॉइस ओवर बहुत कुछ होता है, तो बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो के लिए। अगर 3 मिनट की भी वीडियो हो ना, तो बहुत मेहनत लगती है गाना डालना, वॉइस ओवर करना, सारी चीज़ों में। और बहुत अच्छी ये वीडियो है, दा फन फन पे जाके भी देख सकते हैं, या कुछ दिनों बाद मेरे चैनल पे भी ये वीडियो आएगी, तो तब भी आप लोग देख सकते हैं। और मैं आप लोगों को अपना एक सीन दिखाता हूँ जो बहुत अच्छा सीन था। आए मैं वो सीन आप लोगों को दिखाऊँ। भाई तुम परेशान क्यों हो रहे हो, तुम अर्तुरुल बन सकते हो। भाई ये एक शॉट था मेरा, और इस शॉट पे इतनी मेहनत और बहुत मेहनत लगी थी। और मुस्कान भाई एडिटर हैं दा फन फन के, तो दा फन फन को भी आप लोग जरूर देख सकते हैं इसकी जगह, क्योंकि वो बहुत अच्छे वर्कर हैं। 214 या 215 लाख सब्सक्राइबर उन्होंने कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनको मिलियन तक पे पहुँचाएँ। बस मैं आप लोगों का अपने चैनल उनके चैनल पे मिलियन तक का इंतजार करता रहूँगा। और ये वीडियो बहुत जल्द आने आएगी, तो मिलेंगे किसी और ब्लॉग या किसी और स्टोरी टाइम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।